आज हम ब्यावरा शहर के देहात थाने में खड़े हुए हैं, क्योंकि अभी बीती जो घटना क्राइस्ट कॉलेज में हुई थी 20 अप्रैल को, वहाँ बीएड वाले छात्रों के साथ अन्याय हुआ था। आज की ही बात है, जो कि आज हमारा जो मई का महीना है 16 अप्रैल, यहाँ पर नर्सिंग छात्र छात्राएं यहाँ पर उपस्थित हैं। नर्सिंग छात्र छात्राओं को यहाँ पर सुशील प्रसाद जी का जो एक आतंकवादी की तरह बिहेव इन बच्चों के साथ कर रहा है, इन बच्चों ने यहाँ पर उनकी पूरी फीस भी जमा की हुई है, उसके बाद में भी वो वहाँ व्यक्ति जो कि संचालन करता है सुशील प्रसाद, क्राइस्ट कॉलेज का मालिक है, माइनॉरिटी के बच्चों के तो साथ भेदभाव नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर इन बहुसंख्यक बच्चों के साथ वो पूर्ण रूप से भेदभाव करता है और इन बच्चियों को अभी तक एडमिट कार्ड नहीं दिए हैं, जो कि ये बच्चियाँ यहाँ पर व्यवस्था है, पीछे आप देख सकते हैं, कैमरामैन से निवेदन करता हूँ, तो इन बच्चियों को एडमिट कार्ड अभी तक नहीं मिले हैं। यहाँ पर स्थितियाँ हैं कि ये बच्चियों ने पूरी की पूरी फीस जमा की हुई है, लगभग सभी बच्चियों की फीस 90% से ऊपर जमा है, जबकि सुशील प्रसाद ने अभी तक इन बच्चियों को एडमिट कार्ड नहीं दिया है। अब आगे की जानकारी हम उन बच्चियों से, उनके पालक से लेने की कोशिश करते हैं कि आगे मामला क्या है। बने रहे मेरे साथ पब्लिक लाइव न्यूज़ पर। देहात थाने में ब्यावरा में जो बच्चियों के क्राइस्ट कॉलेज के संचालक सुशील प्रसाद ने अन्याय किया है, इनको बच्चियों को एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं, तो इन बच्चियों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ एडमिट कार्ड आपको क्यों नहीं मिला है, क्या वजह है। तो सभी छात्रों बताएं कि क्या दिक्कत है उनको, क्यों एडमिट कार्ड वो नहीं दे रहे। सर ये तो हमें नहीं पता कि क्या वजह है, उन्होंने हमें वजह तो नहीं बताई। हमें कल नोटिस डाला ग्रुप पे कि 10 बजे आना, एडमिट कार्ड देंगे। हम कॉलेज गए, 2 बजे तक ग्रुप में खड़े रहे, हमें अंदर भी नहीं आने दिया, फिर बोला कि एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, यही हुआ सर। और दूसरा, जैसे आप लोगों को ग्रुप में सभी बच्चों के लिए मैसेज डाला था या अन्य कोई पर्टिकुलर कुछ बच्चों के लिए? नहीं सर, सभी बच्चों के लिए, जितने भी ग्रुप में सभी के लिए डाला था। तो ये आपको ही 10 या 15 बच्चे बता रहे थे, मैंने अभी जब क्राइस्ट कॉलेज गया था तो 60 या 55 बच्चों को एडमिट कार्ड दिया है उन्होंने, और 40 से 45 बच्चे अभी छूट गए हैं, तो उन्होंने ये भेदभाव क्यों किया सर, पता नहीं क्यों किया। फीस तो सभी की बराबर जमा, फीस अपनी सभी की बराबर जमा है, क्योंकि कई बार मैंने यहाँ पे भी सुशील प्रसाद जी का पाया है कि वो फीस तो ले लेते हैं लेकिन बच्चों को स्लिप नहीं देते हैं, क्या ये बात भी सत्य है? हाँ सर, कभी कभी देते हैं, कभी नहीं भी देते। कभी कभी वो देते हैं और कभी नहीं भी देते हैं। तो ऐसे आपके पास में सभी पूरी की पूरी जितनी बच्चियां हैं आप लोग, आपके पास फीस की रसीद तो है ना, सभी के पास में है। तो राहुल जी, हमारे ब्यावरा विधानसभा में ऐसा इन बच्चियों के साथ अभी बीएड के डीएड के छात्रों के साथ हुआ था, हमने उसके पीछे लड़ाइयाँ भी लड़ी, सभी NSUI ABBP इन बच्चों के ऐसे जो अन्याय हो रहा है इनके लिए खड़े हुए थे, तो इसमें आपका क्या कहना है? ऐसे देशद्रोही टाइप का जो व्यक्ति है ये सुशील प्रसाद, देशद्रोही मानता हूँ, क्योंकि ये हमारे जो आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है उनके साथ अन्याय कर रहा है, कहाँ जाएंगे ये? एक तो मोटी फीस वसूल रहा है, इनमें इन बच्चियों के साथ में भी मतलब बराबर फीस नहीं, किसी की 80,000 होगी तो किसी की 1,00,000, किसी की बराबर फीस नहीं है। ये क्या है, ये बहुत बड़ा शिक्षा माफिया है, राजगढ़ जिले का सबसे बड़ा शिक्षा माफिया है, जो कि यहाँ पे क्राइस्ट कॉलेज को संचालित करता है। और निश्चित रूप से आज का नहीं है, आज ये जब सारी परतें उसकी खुल रही है तो नई नई चीज़ें सामने आ रही है। ये लोग क्या करते हैं, जब इनके पास नर्सिंग की 60 सीट होती है तो ये एडमिशन देते हैं 100 लोगों को, और जो 40 लोग जो बचते हैं उन्हें अगले साल के लिए जो है उन्हें फंसा के अगले साल के एडमिशन 1 वर्ष पहले वो लेने का काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा शिक्षा माफिया है और इस पर कार्रवाई होना चाहिए, और इस कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम जो है ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, बहनों के साथ हम लोग खड़े हैं, पूरे तन मन धन के साथ इनके साथ खड़े हैं। अभी हम उन पर FIR कराएंगे और इसके बाद में उस पर जो अगली जो कार्रवाई होना है वो कार्रवाई कराएंगे, और अभी जबकि हमारे हम उन पर FIR कराएंगे और इसके बाद में उस पर जो अगली जो कार्रवाई होना है वो कार्रवाई कराएंगे, और अभी जबकि हमारे यहाँ राजगढ़ जिले में प्रभारी मंत्री जो है वो हमारे जिले के जो प्रभारी मंत्री है वो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री है, उसके बावजूद इस जिले के ये हालात है उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं तो शासन को आज अवगत करा दूंगा, प्रशासन को अवगत करा दूंगा कि अगली बार हम यहाँ जब भी उच्च शिक्षा मंत्री आएंगे तो उनके सामने ये मुद्दे को हम रखेंगे, बीच रोड पे रोक के इस मुद्दे को रखेंगे, और इन बहनों की अगर परीक्षा नहीं हुई तो ये चीज़ समझ लें कि हम लोग रोड पर तो हैं ही लेकिन उस कॉलेज वाले को कॉलेज चलाने नहीं देंगे। तो यहाँ पर जैसे एक तो बात ये आ रही है, हमने पिछली बार भी जोरों शोरों से मेहनत करके इस अन्याय के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी,
लेकिन उसका हल सिर्फ ये हुआ कि मान्यता रद्द बीएड की कर दी गई थी वहां पे, लेकिन वो इसे लेकर आ गया, देखिए इसके लेकर आ गया है, तो इसकी पहुंच तो मतलब एक शासन से भी ज्यादा मजबूत है। देखो हमारा किसी का नुकसान करना है, किसी का किसी की मान्यता रद्द कराना हमारा काम नहीं है। हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन अगर छात्रों के साथ अन्याय हो तो हम इस अन्याय को नहीं सहेंगे। किसी की मान्यता रद्द हो मैं इस फेवर में नहीं हूँ, लेकिन उस पर कार्रवाई होना चाहिए, शासन की समिति बनना चाहिए और समिति की नज़र में इन लोगों की परीक्षाएं होना चाहिए, इन लोगों की फीस तय होना चाहिए, इन लोगों के फॉर्म डलना चाहिए, ये सब चीज़ें शासन प्रशासन की नज़र में होना चाहिए। जब लगातार इस तरह की घटनाएं वहाँ हो रही है तो क्यों ना इस पर कार्रवाई हो और शासन प्रशासन की नज़र में पूरी देखरेख में पूरी इनकी परीक्षाएं हो, इनके एडमिशन हो, क्योंकि अभी किसी की मान्यता रद्द होने से छात्र छात्राओं का नुकसान है। ठीक है उसकी मान्यता रद्द हुई, वो कहीं भी ये भ्रष्ट शासन है, यहाँ कहाँ कोई पैसे देके और वापस मान्यता लेके आ जाता है। मैं उस पर उसके फेवर में नहीं हूँ, मैं फेवर में हूँ छात्र छात्राओं के, युवाओं के, इन बहनों के। मैं अब यहाँ पर जैसे कि हमारे किशन जी भाई भी खड़े हुए हैं, थोड़ा सा हम भी इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो मुद्दा हम बार बार उठा रहे हैं उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। अपनी क्राइस्ट कॉलेज हो या ऐसे भ्रष्ट कॉलेज यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में है जो ऐसा अन्याय बच्चों के साथ कर रहा है, तो इस पर आप अपना संगठन फिर कहाँ मजबूत होगा? इससे ये कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा भागीदार इसमें दोषी पाया गया तो प्रशासन है, क्योंकि इतने कुछ दिन पूर्व भी विद्यार्थी परिषद ने चक्का जाम करा था अनियमितता फीस वसूली के कारण। उस समय भी यही घटना थी कि इनने बीएड के प्रत्येक विद्यार्थी को बताया आप 50,000 के लिए, पर उसे वसूली कर रही है 80,000 की। और अभी भी हम कल इस विषय को लेकर एसडीएम सर के पास पहुंचे थे, उन्होंने बोला कि हाईकोर्ट मामला चला गया, इसकी हमने मान्यता तक रद्द करवा दी बीएड की, परंतु ये अपने पैसे के मद में चूर होकर इंदौर हाईकोर्ट से स्टे ले आया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है कि प्रशासन किस तरफ से लाचार है कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है। प्रशासन किस तरह से लाचार है और किस परिस्थितियों में लाचार है? प्रशासन तो केवल संविधान का मंदा हुआ और संविधान का पालन ही जब प्रशासन नहीं कर रहा है तो आम आदमी तो धज्जियां उड़ाएगा। तो इस पे आप इन बच्चियों का मतलब मान लीजिए अपने इतने बड़े बड़े संगठन होने के बावजूद ना आज अगर ये बच्चियां परेशान हो रही हैं, थाने में आने पड़ रही हैं, तो क्या होगा इन बच्चियों का? तो आप क्या करना चाहोगे यदि किसी कारण से आपकी समस्या यहाँ थाने में नहीं, प्रशासन ने नहीं सुनी, तो क्या करोगे? अगला कदम आप लोगों का क्या होगा बताइए, क्या होगा अपना अगला कदम, क्या करना चाहोगे? एग्जाम मान लीजिए ये तो प्रशासन का और उसके कॉलेज वाले के ऊपर, क्योंकि प्रशासन के आगे ही तो सारी संगठन और सर पे थोड़ी बैठेंगे। तो फिर अगला कदम क्या रहेगा, आप लोग क्या करेंगे, फिर आप किसके पास जाएंगे? भूख हड़ताल करेंगे, कुछ भी करेंगे सर, हम आगे तक जाएंगे, आगे तक जाएंगे। और फिर मान लीजिए अपना साल ही खराब हो जाएगा, फिर कैसे हो जाएगा साल खराब? इसके लिए अपन क्या क्या प्रयास करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे या आंदोलन करेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे? भूख हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल केवल गांधी जी ने करी थी, इसके अलावा हमारे यहाँ पे ईमानदारी से किसी ने भी नहीं कर पाए। तो हम हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे और कैसे लड़ेंगे, प्रशासन को जागरूक कर, किस प्रकार से लड़ना है हमारी अक्की लड़ाई, प्रशासन को जागरूक करकर, क्योंकि प्रशासन हमारा क्या है कि जो कान पे पट्टी लगाए हुए सोया हुआ है, जिसका परिणाम आज ब्यावरा में नहीं, ऐसे हजारों कॉलेज भरे पड़े हुए पूरे मध्य प्रदेश के छोटे छोटे शहरों हो या बड़े बड़े शहर, उनमें आप भी भागीदार हो, आप जैसे युवाओं को संगठित करके आप एक उग्र आंदोलन करने की पूरी कोशिश करें, जिसमें जीत और मेहनत के लिए आपके बड़े भैया राहुल जी और किशन जी दोनों साथ देंगे और पूरी मीडिया आप लोगों के साथ है। तो आप आंदोलन कीजिए, बिल्कुल साथ हैं हम लोग, आप घबराने की भी कोई आवश्यकता नहीं, आपके साथ अन्याय, मीडिया, मैं खुद इस माध्यम से कह रहा हूँ, मीडिया आपके साथ 100% है, ब्यावरा का कोई मीडिया कर्मी हो या ना हो, कैलाश सेन आपका बड़ा भाई है, बिल्कुल साथ दें। चलिए तो सुशील प्रसाद जो कि क्राइस्ट कॉलेज का एक संचालक, बिल्कुल उसने अन्याय की हद पार कर चुकी है। आज यहाँ पर क्राइस्ट कॉलेज की जो छात्राएं जीएनएम कर रही हैं, किस प्रकार से इनके माता पिता इनकी फीसों को भर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल वो गरीबों का खून चूसे हुए। आज ये 8-10 जो बहने मेरे पीछे दिखाई दे रही है, ऐसी और भी बहने और भी भाई क्राइस्ट कॉलेज के अन्य ऐसे कॉलेज, तो सुशील प्रसाद का ऊपर प्रशासन अपनी आंख पर पट्टी बांधे हुए किसी प्रकार से कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। अगली अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहे। सवेरे में खुद आया हूँ, ठीक है ना, तो इसमें आधे बच्चों के आए आधे नहीं आए, हमने उनकी कंप्लेंट भी कर दी कलेक्टर साहब को, तो कल ही लिख दिया मैंने, तो शाम को कल तक है ना, अभी तो सेकेंडरी वालों को भी नहीं दिए, उस समय बताते हो क्या? ये हम जब हमारा इनका जब आप एडमिशन लेते हो उस समय जानकारी देते हो क्या? नहीं तो ये सर को तो बताया करो ना, आपको दो भरोसे में रहना पड़ेगा जब एग्जाम का टाइम आएगा। पहली बार हो रहा है, पहली बार
पहली बार हो रहा है ना, जब कभी इसके पहले नहीं हुआ था, इससे पहले नहीं हुआ ना कभी। आप देखो ना 20 साल में पहले कब हुआ। INC को है ना सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया, सुनिए आप, INC को है ना सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। तो अब MP गवर्नमेंट ने 2018 में चार्ज लिया है, तो अब आप बताओ कि 2021 की जो मान्यता अभी मिली है 2022 में, तो सर इनका एडमिट कार्ड नहीं आया तो, और 2022 का जो है ना मान्यता अभी आई है 23 में, अब आप बताइए मेरी क्या गलती है। सर ये एडमिट कार्ड इसका आ गया, उसका क्या सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन हम लगा रहे हैं ना, तो जैसे जैसे निकल रहे दे रहे, कितने बच्चों को दे चुके हैं सर इसका एडमिट कार्ड आ गया। जैसे फर्स्ट ईयर वाले कितने बच्चों को, फर्स्ट ईयर वाले काफी दे दिए, हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे, इसमें क्या होगा हमारा, बच्चों को दे पचास। और ये बैठे थे अभी सवेरे से ड्यूटी दे रहे हैं, सवेरे से पुलिस ड्यूटी दे रही है, पुलिस ने ये नहीं दिया, सोए मात्र। और अभी कितने और बचे हैं? 40 और बचे हैं। जैसे ये 40 का कब तक आएगा? एग्जाम कल से है सर, सुबह से। एडमिट कार्ड ये तो खबर सर एग्जाम वालों को भी होगी ना, जब एडमिट कार्ड नहीं आया तो फिर एग्जाम कैसे करवाते हैं? जैसे इनका नहीं आया है तो कल ही कैसे एग्जाम दे पाएंगे? तो चलो फिर, आप लोग क्यों डर रही हो? डरना है तो फिर ये डरते रहो, जीतते रहो, मरते रहो अंदर। आप लोग, आप लोगों को अगर अपने लिए लड़ना है तो चलो तुम साथ में, चलो सभी लोग चलो। एडमिट कार्ड चाहिए तो चाहिए, हमें कल पेपर देना है, पहले मेरे से हो जाए बस। परेशान हो रहा है हमारा हाल, भैया कैसे पढ़ा रहे हैं? इन सबको गाड़ी में बिठवा के, जितनी गाड़ियां हो रही हैं तो जैसे कि देखा आपने यहाँ पर छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, क्राइस्ट कॉलेज के संचालक मैनेजमेंट की मनमानी चल रही है, यहाँ पर बच्चों का भविष्य पूर्ण रूप से दाव पर लगा हुआ है, शासन और प्रशासन दोनों चुप्पी साधे हुए हैं। अभी तक किसी प्रकार से 20 अप्रैल से लेकर अभी तक यहाँ विवादों में घिरा हुआ कॉलेज क्राइस्ट कॉलेज जो कि भोपाल रोड पर स्थित है, यह कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां पर केवल शिक्षा के नाम पर व्यापार चल रहा है और बच्चों का भविष्य दांव पर लगा रहेगा। अन्य छात्रा यहां पर क्राइस्ट कॉलेज की, थोड़ा हम उनसे भी चर्चाएं करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप हमें बताएं बेटा क्या समस्याएं आप लोगों के साथ में हो रही है और कब से आप परेशान हो रहे हैं? कल आपका एग्जाम है तो क्या होगा? सर हम 2 साल से परेशान हो रहे हैं। 2 साल तो ये बता रहे हैं कि आपका एडमिशन भी नहीं हुआ है? एडमिशन हुआ है, हमारे एडमिशन जमा कर दिया, हम कोई भी नहीं बताते हमारे एडमिशन है या नहीं। आपका एडमिशन आप लोगों ने यहाँ पे पूरी फीस भी जमा कर दी? जमा कर दी हमने, सब फीस जमा कर दी, किसी से ज्यादा ले लेते हैं। अच्छा, ओरिजिनल सभी बच्चों के जमा है? कुछ छात्राएं तो आपकी देहात थाने में है, वहाँ पर तो उन लोगों के साथ में भी, कितने बच्चों का एडमिट कार्ड अभी तक नहीं मिला? कितने छात्र हैं टोटल यहाँ पर? 100 छात्र, फर्स्ट ईयर के 100 छात्र। इधर सामने आ जाओ, सेकंड ईयर वालों का आ गया है सर? सेकंड ईयर वालों का सभी का आ गया, फर्स्ट ईयर वालों का नहीं आया? तो आप भी नहीं, फिर भी झूठ बोल रहे हैं कि एक को भी नहीं दिया, सबके दे दिए, नहीं दिया। अब सर अब भी उबल रहे हैं कि देंगे देंगे, शाम तक देंगे, कब देंगे? कल हमारे देखने वाले, पूरा मीडिया देख रहा है इस बात को, कितनी बार इस कॉलेज के अभी थोड़े दिन पहले इतना बड़ा विषय उठा था, 100 विद्यार्थियों में से हर किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ समस्या हो जाती है, ये कैसा महाविद्यालय है? उसके बाद जब कार्यवाही करते हैं तो स्टे ले आते हैं ये, आज ये लड़कियां परेशान है, इनके एग्जाम नहीं हो रहे, इनके भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ करेंगे ये लोग? सर हमारे घर वालों को क्या जवाब? भाई प्रशासन को भी तो साथ देना चाहिए ना, आप देखिए ये कोई खिलजीपुर से है, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से, इनके माँ बाप किस प्रकार से पढ़ा रहे इनको? लड़कियों को अंदर कमरे में बंद किया था, पूछिए लड़कियां बंदी कमरे में, लड़कियों को कमरे में बंद किया हुआ था, बंद नहीं किया था, दोनों तरफ से गेट पे ताला लग रहा था, हम क्लास में अंदर थे, बैठे थे। ऐसा क्यों, ताला क्यों लगाया था? कारण यही हम बोल रहे थे कि एडमिट कार्ड चाहिए हमको, कभी नहीं आया, रुको 5 बजे तक मिल जाएगा, नाम ही नहीं आया हमारा।
तो आप लोगों का नाम नहीं आया, ये बात क्या इनको अभी पता चली थी क्या कॉलेज वालों को? इन्होंने आप लोगों को अंधेरे में क्यों रखा? तो आप लोगों के साथ आपके पेरेंट्स भी आए हैं क्या? इनके पेरेंट्स आए साइड से कोई कहाँ से आ रहा है सर? सर हम तो यहाँ पर घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर आप कौन सी क्लास में हो बेटा? फर्स्ट ईयर में हो। कहाँ से हो? सुल्तानिया तरफ से हो। तो साहब आप कब से परेशान हो रहे हैं? 10 बजे से। सुबह 10 बजे से आपने अपनी गुड़िया की पूरी फीस जो कि लेना थी जमा कर दी थी? इसकी स्कॉलरशिप भी बची थी आपकी, वो जो कि कॉलेज से आपको मिलती थी, तो उसके फॉर्म वगैरह सब भरा गए? तो आप लोगों को फिर क्या बोला इन्होंने एडमिट कार्ड के लिए? सर आप बोल रहे, ये बता रहे 5 बजे लगभग 5 बजे मिल जाएगा, ये बता रहे हमें बात नहीं करा दे रहे। तो आप किनके साथ आए? हम तो विद्यार्थी परिषद से हैं। बहनों का जब हमारे पास फोन आया कि हमें गेट में अंदर कर रखा है, तब हम यहाँ पहुँचे। तो यहाँ क्या आतंकवादियों का अड्डा थोड़ी है जो इन्होंने गेटों पे ताला लगा रखा है, अंदर घुसने से मना कर रहे हैं। एग्जाम जो चल रही होगी वो अंदर चल रही होगी। उनका तो फोन उठाइए, मुझे तो नहीं लगता कि प्रशासन भी कुछ कर रहा है कोई ये विषय। आज का तो इन्हें कितने मुद्दे हो चुके हैं, हम लोग कितने समय से विद्यार्थी परिषद इस विषय के लिए लड़ रही है, आपके सामने इतने सारे सबूत है लेकिन ना कोई कुछ नहीं कर रहा है। या तो ये सबको सबका मुंह बंद करवा देते हैं, कूपन आ रहे हैं वो सब लोगों को। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो छात्र छात्राएं विद्यार्थी परिषद भी यहाँ पर मौजूद है, विद्यार्थी परिषद के छात्र भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इन छात्राओं की लड़ाई के लिए। यहाँ पर स्थितियाँ बहुत नाजुक बनी हुई है, यहाँ पर बच्चों का भविष्य पूर्ण रूप से दांव पर लगा हुआ है, शासन प्रशासन अपनी चुप्पी साधे हुए है, ना तो शिवराज सरकार और ना ही यहाँ का लोकल प्रशासन इस पर कोई एक्शन ले रहा है। ऐसे कॉलेजेस ब्यावरा में एक ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में अनेकों कॉलेज हैं जो कि छात्र छात्राओं का भविष्य पूर्ण रूप से दांव पर लगाए हुए हैं। यहाँ पर आप एक बार में मेरे कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि चारों तरफ एक बार कैमरा घुमाएंगे कितने छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर इस माहौल को देखते हुए हम कोई एक्शन यहाँ पर प्रशासन के द्वारा नहीं लिया गया है, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर अभी भी एक्शन में नहीं है, और ना ही यहाँ का शिक्षा विभाग जो कि उच्च शिक्षा विभाग भी यहाँ पर पूर्ण रूप से एक्शन में नहीं है। तो यहाँ पर आज देखा गया है कि केवल शिक्षा के नाम पर क्राइस्ट कॉलेज की तरफ से संचालक सुशील प्रसाद की तरफ से केवल बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, केवल वहाँ पैसे कमाने का एक बिजनेस का अड्डा बन चुका है, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर सुबह से बच्चे परेशान हो रहे थे, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हुई उत्पन्न हुई है। पब्लिक लाइफ में मेरे साथ बने रहे मैं रिपोर्टर कैलाश सेन, कैमरामैन साथी केपी कारपेंटर के साथ। देखे अगली अपडेट, वो है प्रिंसिपल प्रचार है और छात्र यहाँ परेशान हो रहा है, बात करने को तैयार नहीं है और आप लोग उससे सपोर्ट में। सर आप FIR लिखने को तैयार नहीं है? अभी अगर हम लोग कुछ करते हैं तो आप लोग नहीं लेंगे? बेटा बेटा रोड चक्कर जाम करो, चलो ना तो बात करने को। भैया नहीं, पुलिस कंप्लेंट क्यों कर रही है? आप लोग चक्कर जाम करो, तो भाई बात चक्कर जाम सब कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इनका भी तो खड़ा समझो आप। मैम कमेटी बनती है तो उस पे स्टे लगवा देता है वो, अभी कल जांच समिति आई थी सर के सामने कहते तुम अंदर नहीं जाओगे। इस परे एक विषय महत्वपूर्ण है, एक महाविद्यालय का प्राचार्य चाहता है कि मुझसे आप जो है बात ना करें और प्रशासन उसका सहयोग कर रहा है, छात्रों के यहाँ प्रवेश पत्र नहीं आए उसकी किसी को चिंता नहीं। अंदर गेट पर बात करने के लिए जाने देने को तैयार नहीं। अगर इस प्रकार का उपद्रव करने का मानस लेके आए हुए होते तो यहाँ खड़े थोड़ी ना होते। हम लोग बात करना चाहते और आप लोग उसको बाहर बुलाने को तैयार नहीं और उसके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। इस प्रकार से तो काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी मैडम। अभी आप लोगों को लगेगा, फिर आप लोग बोलेंगे कि यार आप उपद्रव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम चाहते हैं बात तो समाज को, बिना समाज के कैसे काम चलेगा? इस प्रकार से ज्यादा क्या है मतलब? मुझे तो आतंकवादी संगठन में और इस कॉलेज में मुझे कोई फर्क नहीं लगता। सुबह से बात करने का प्रयास कर रहे हैं मैडम, गुंडागर्दी के बल और उनको बात ठीक है। अभी तो सर आ रहे हैं
इन लड़कियों को सुबह से क्यों बंधक बना रखा, सुबह से ताला क्यों नहीं खोल रहे हैं बाहर निकलने के लिए? जब अभी ये सब लोग हम यहाँ पहुंचे तब इन्होंने बाहर किए। आप इनसे ये तो जवाब ले सकते हैं ना मैम? 50 बार बोला ये चौकीदार ताला नहीं खोल रहा था। इनको 2 साल हो गए, पिछले साल भी एडमिशन लिया था, इनको फिर बोल दिया कि अगले साल एडमिशन हो। अरे देखो ना वो अंदर खुलेआम घूमते वहाँ पर मामला सहकर्मा कर्मियों ने विद्यार्थी परिषद के छात्रों में और पुलिस प्रशासन में क्राइस्ट कॉलेज की मनमानी को लेकर हो रहा है मैंने और नॉकआउट। यहाँ पर आप मेरे साथ पब्लिक लाइव में अगले अपडेट्स के लिए बने रहें। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की नॉकआउट पूर्ण रूप से हो चुकी है, केवल क्राइस्ट कॉलेज के संचालक सुशील प्रसाद की वजह से, क्योंकि उनकी लापरवाहियां बढ़ती जा रही है, छात्रों के साथ उन्होंने अन्याय किया हुआ है। तो यहाँ पीछे अपडेट देख सकते हैं किस प्रकार से। दादागिरी धमकियाँ दे रहा है, उसका कोई कायमे की बात नहीं हो रही अभी शुरू से। पिछले 10 सालों से सर FIR नहीं होगी जब तक सर सुशील कुमार आप सबको बाहर, आपको बाहर कर दिया। LGM धूप में खड़े नहीं सकते, सिर्फ धूप में खड़े नहीं सकते क्या सर? इस प्रकार से मूल बात है सर, मूल बात ये कि आप SDM महोदय यहाँ पे धूप में खड़े हुए हैं, क्या इस कॉलेज का प्रबंधन इस प्रकार का नहीं है तो छात्रों के साथ आके खड़ा होकर बात कर सकता है? आप लोग भी लाचार महसूस होते हैं हम लोगों को, क्या आप लोगों का कोई सुशील कुमार के सामने SDM में झुक चुके हैं? अगर हम रोड पे बैठ रहे हैं तो SDOP मैम कह रही है कि सब पे कार्यवाही होगी अगर आप रोड जाम करोगे तो। इस कॉलेज वाले को मैडम एक बार ये नहीं बोल रही है कि तुम्हारी क्या ताकत है कि जो तुमने सुबह से इनको बंद कर रखा है? सर सुबह से केस बंधक बने रखे इन लोगों को, सुशील सुबह से अंदर बंद थी, हमारे ऊपर तो कार्रवाई कर दोगे आप? हम तो आम जनमानस का भविष्य बर्बाद हो रहा है और वो जो चलो भैया आप आगे आओ।
देखो पॉलिटिक्स यहाँ से बाहर है, एक विषय हो गया। हम सब एक मत है कि कॉलेज प्रबंधन पर FIR होनी चाहिए। सिर्फ आपकी बात, आपकी बात बहन है वो हमारी डोरी है, मतलब ऐसा कैसा इंसान है यार, इनके 3 साल से ये पढ़ रही काय में है, इनके एडमिशन नाम एक नहीं है। एडमिशन ले लिया, 100 बच्चों का एडमिशन ले लिया, 60 बच्चों की पात्रता है उसको, तो 40 बच्चों का नाम कहाँ है? ये रिकॉर्ड भेज दिए तो करो, क्लियर भी वही करेंगे। सही करा गलत करा या क्लियर हो जाए, वो सही है, वो सब भी रोज कोई बच्चों तो फिर हमारे ठोकता हूँ। एक तरफ सरकार कहती है मुख्यमंत्री कहते हैं लालटी बहन है हमारी, लालटी भांजे भांजे सड़कों पे खड़ी, सड़कों पे दुर्दशा हो रही, ये यहाँ का प्रशासन हमारी लालटी बहनों को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, साथ हैं खुलेआम छूट दे रखी, कैसे जो अवैध काम कर रहे हैं उन लोगों को पनाह दी जा रही है, इसी वजह से आज लड़कियाँ वही लालटी बहनें सड़कों पे घूम रही, 2 बार चक्का जाम कर चुकी लड़कियाँ खुद, और ये मुख्यमंत्री जी की भांजे हैं, मुख्यमंत्री की भांजियों की हालत हो रही कि 100 बच्चों का एडमिशन ले लिया, 60 बच्चों की पात्रता थी, 40 बच्चों को 2 साल से अभी तक इनका पता ही नहीं, 60 का तो 100 लड़कियों को एडमिशन लेकर रखा नहीं, जो पेपर होंगे वो 6 महीने बाद होंगे या फिर जो भी होंगे इनका एजुकेशन जो डिपार्टमेंट, अरे कल परीक्षा होने उनकी, तो 2 साल से एक ही क्लास में फर्स्ट ईयर में, 2 साल से फर्स्ट ईयर में ही है, क्या बोला चलो मान्यता तो केवल 60 की ही है, 100 का ये एग्जाम करा ही नहीं सकता है, तो फिर सिर्फ 60 की है, बिल्कुल गलत लिया, गलत जा रहे हैं सही बोला, मैडम को इतना पता है 60 मैडम सर वो आदमी सही नहीं है, उसने शांति समिति की बैठक में अपन सब पे इल्जाम लगाया कि अपन सब गुंडे हैं, ये आपको भी बोला तो उसके ऊपर कार्रवाई आज ही होगी सर, आपसे ये पूछ रहे हम लोग कि 60 का एडमिशन होता है, 100 का क्यों लड़कियां 40 लड़कियां 2 साल से किस क्लास में पढ़ रही है, उसके पास ये 40 लड़कियों का एडमिशन 60 की ही परमिट हुआ, आप जा रहे हैं हमारे सर, जब वो आपको गलत लग रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आप क्लियर दिखिए, आपके हमने चक्का जाम नहीं करवाया, आप लोग जांच हो गई है तो आप उसे अरेस्ट करिए, आप उसका डिसीजन कोर्ट करे, लड़कियों को बंद करके रखा, लड़कियों को बंद करके रखा, लड़कियों के खिलाफ बंद करके रखा, 3 घंटे तक बंद करके रखा उसने कॉलेज के अंदर, बंधक बनाने की कार्रवाई करो मैडम, 420 की कार्रवाई, इन बच्चों को ले जाती है एक बार में समझौता नहीं है उसमें सर, समझौता नहीं होगा, समझौता किसी भी प्रकार का नहीं होगा, हाँ ये 40 लड़कियों का एडमिशन किस प्रकार कर रहा है, आप तो हम लोग खड़े हैं, आप मुकदमा दर्ज करिए, उसे अरेस्ट करिए सर, आप वो इसलिए अभी हाल में प्रतिवेदन पूरी तरीके से तैयार नहीं है, जो भी प्रतिवेदन में अगर 420 का मामला आता है तो 420 धारा के अंदर ITC की उसके अंदर का हम राइट नहीं करेंगे, छात्रों बनाने का भी मामला है मैम, इसमें भी अगर छात्रों से अभी कथन लिए जाएंगे, अगर उनके द्वारा ऐसी कोई बात बताई गई तो उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी, कल बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह भी हैं उसको, इस विषय में SDM साहब से बात हुई है, SDM साहब ने जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात की गई है कि जो भी इनके टाइम टेबल पर एग्ज़ाम होने हैं वो कंडक्ट किए करवाएं, ठीक है, थैंक यू। पब्लिक लाइव में आप सभी का स्वागत है, आज हम देहात थाने में क्राइस्ट कॉलेज के संचालक सुशील प्रसाद को पकड़ लिया गया है पुलिस के द्वारा,
बड़ी मशक्कत के बाद में उस पर कार्यवाही हुई है। तो आज हमारे बीच में विद्यार्थी परिषद के कुछ स्टूडेंट और नर्सिंग की छात्राएं जिनके ऊपर आज ऐसा कार्य इसने किया है जो कि होना नहीं चाहिए था, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो इस संबंध में हम आज इन बच्चों से जानना चाहते हैं कि क्या प्रोसेस रही है अंदर की, तो क्या प्रोसेस रही है थोड़ा सा मुझे बताएं। जैसा कि सुबह का विषय है कि जांच टीम गई थी, हमने आंदोलन का चक्का जाम करा, उसके बाद राजगढ़ से मैडम आई है, उनने कार्रवाई करी कानूनी तौर पे, तो अभी भी हम इस कार्रवाई में है कि इसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और इसको सजा भी हो, क्योंकि इसने क्या ऐसा घिनौना काम किया। इन्होंने जो घिनौना काम किया है, एक महिला मतलब जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे, उनको उन्होंने बुलाया और एक धोखे में रखा कि हम तुम्हारा एक एडमिशन यहाँ पे हुआ है, जब ये अपना एडमिशन मतलब परीक्षा फीस का वो लेने गए टाइम टेबल, तो उन्हें कोई टाइम टेबल नहीं दिया गया, जबकि इनके पास इनकी पर्ची है जो इन्होंने 20-50 रुपए जो वहाँ कॉलेज में जमा की हुई है, लेकिन अब इनसे बोल दिया है कि अब आप ओवर हो मतलब एक्स्ट्रा वो हो गए हैं, तो अब इस वर्ष आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी और इनको 2-3 घंटे उस कॉलेज के अंदर बंदी बना के रखा गया है और ताला खुला ही नहीं। आप न्यूज़ वाले कहीं देखे हैं, जब हमने वहाँ पे चक्का जाम किया होता पूरा, उस समय कुछ छात्राएं कॉलेज की दीवार कूदकर बाहर निकली हैं, तो सोचिए आप उनकी इतनी हिम्मत है जो कानून को कुछ मतलब कानून व्यवस्था को समझ ही नहीं रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इन्होंने जो घिनौना जुर्म करा है इसका कड़ी से कड़ी इन्हें सजा मिलनी चाहिए। आज इन 40 बच्चियों का जो भविष्य दांव पर लगा हुआ है, आज कल उनका एग्जाम है, तो उन बच्चियों से भी जानना चाहती हूँ आज जो पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है सुशील प्रसाद को, तो क्या इनको सजा मिलना चाहिए, क्योंकि आज आपका भविष्य तो पूर्ण रूप से बर्बाद हो ही चुका है, पिछले 2 सालों से आपको वो बेवकूफ़ बना रहा है, तो क्या रहेगा और क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, क्या मांगे आप लोग? हमारी तो बस यही मांग है कि हमें न्याय मिल जाए, हमारे एग्जाम हो जाए और सर को सजा मिली चाहिए। आप लोगों से पिछले 2 वर्षों से फीस भी वो वसूल रहे हैं, तो प्रति वर्ष की कितनी फीसें इसने वसूली है? तो मतलब मन मर्जी की वो फीस, जैसा वो तो वही बात है जैसा मुर्गा मिला उसको काट दिया है ना, तो उसी हालात से आज जो बच्चियां गुजर रही है, कल इनका एग्जाम है, इनके ना तो एडमिट कार्ड इन्होंने जनरेट किए हैं, और जब स्वास्थ्य विभाग से यदु मैडम आई थी तो उन्होंने भी उनको भी बताया गया है कि केवल हमारे कॉलेज में 60 बच्चों की मान्यता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप नमस्कार ब्यावरा, आज हम ब्यावरा शहर के देहात थाने में खड़े हुए हैं, चूँकि अभी